लेट अस स्टार्ट विथ कोरिलेशन कोफिशियंट, हिंदी में इसे सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं। व्हाट इज कोरिलेशन? द वर्ड कोरिलेशन जो है वो दो शब्दों से बना है, को मीन्स टुगेदर एंड रिलेशन मीन्स संबंध। जब किन्हीं दो चर की अगर हम बात करें तो ऐसे दो चर कि एक चर के मान में अगर वृद्धि होती है तो दूसरे चर के मान में भी वृद्धि हो, या एक चर के मान में अगर कमी हो तो दूसरे चर के मान में भी अगर कमी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ द वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। व्हाट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट? कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू रिलेटेड वेरिएबल्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। द वैल्यूज ऑफ आर लाइज बिटवीन प्लस वन टू माइनस वन, मतलब r का मान माइनस वन, r इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन एंड लेस आर इक्वल टू प्लस वन, मतलब r का मान माइनस वन से प्लस वन के बीच में वेरी करता है। कोरिलेशन इज ए रिलेशन बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स सच दैट चेंजेस इन द वैल्यू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वन वेरिएबल इज accompanied बाय चेंजेस इन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। If changes in both the variable in same direction, either both are increasing or both are decreasing, then they are said to be positively correlated. If the changes in both variable is opposite, that is one increases and other decreases and vice versa, or one decreases and other increases, then both are said to be negatively correlated. जब किन्हीं दो चरों के मान में या तो एक साथ वृद्धि होती है एक साथ ह्रास होती है तो दोनों चर जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड कहलाते हैं। जब किसी एक चर के मान में वृद्धि हो दूसरे चर के मान में ह्रास हो, या किसी एक चर के मान में कमी हो और दूसरे चर के मान में अगर वृद्धि हो, तो ऐसे बोध दोनों चरों को निगेटिवली कोरिलेटेड वेरिएबल्स कहा जाता है। बाइवेरिएट डेटा द्विचर आंकड़े। When measurements on two characteristics are to be studied simultaneous because of their interdependence, we get observations in pairs. Such a set of data in pairs are called bivariate data. जब कोई ऐसे दो चर जिनके की लक्षण हम एक साथ स्टडी करते हैं और कोई एक दूसरे पर अगर वो आश्रित है, और अगर ऐसे आंकड़ों का अगर हम संकलन करते हैं तो वो पेयर में होते हैं, या दोनों आंकड़े एक साथ पेयर में आते हैं, ऐसे चर को बाइवेरिएट डेटा कहते हैं। कोरिलेशन जो है वो दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है, एक धनात्मक सहसंबंध, दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध, और एक थर्ड वन इज नो कोरिलेशन। जब कोरिलेशन का मान शून्य से ज्यादा और एक से कम हो धनात्मक, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जब कोरिलेशन आर का मान माइनस वन से जीरो के बीच में होता है तो उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं, और जब आर का मान शून्य होता है तो नो कोरिलेशन कहलाता है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जब आर का मान प्लस वन हो, इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जब कहा जाता है तो आर का मान एक से कम होता है लेकिन शून्य से ज्यादा होता है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जो होता हो वो r इज इक्वल टू माइनस वन, एंड इनपरफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का मान है माइनस वन से शून्य के बीच जब r का मान हो तब होता है। और इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को फिर बराबर दो भागों में बांटा गया है, एक वीक पॉजिटिव कोरिलेशन जब r का मान शून्य से ज्यादा नजदीक होता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब r का मान एक की ओर ज्यादा होता है, मतलब 0.8 और 0.9 होता है। वीक नेगेटिव कोरिलेशन व्हेन आर टेंड टू जीरो एंड स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन व्हेन आर टेंड्स टू माइनस वन। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन इट इज शोन इन दिस फिगर, एंड हियर वी सी दैट दिस इज द जीरो कोरिलेशन, आर इज इक्वल टू जीरो, इट मींस नो कोरिलेशन। जब आर का मान प्लस 0.25 है तो वो लो कोरिलेशन है, आर का मान 0.5 है तो मॉडरेट कोरिलेशन ऑफ पॉजिटिव, और आर का मान 0.75 तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, आर इज इक्वल टू प्लस वन, दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक उसी प्रकार से नेगेटिव कोरिलेशन जब आर इज माइनस 0.25 देन लो कोरिलेशन,
R is minus 0.5, then moderate correlation. R is minus 0.75, then high negative correlation. Or R equal to minus 1, that is perfect negative correlation. इस पूरे ब्रह्मांड में प्लस वन एंड माइनस वन के ऐसे कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं हैं। प्लस वन का एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एक अब हम दे सकते हैं गणित में इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स बट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज हैविंग परफेक्ट पॉजिटिव वन कोरिलेशन. वॉट इज डायमीटर? इफ रेडियस इज जीरो diameter is 0, if radius is 1 diameter is 2, if radius is 2 diameter is 4, radius is 3 diameter is 6, radius is 4 diameter is 8 and radius is 5 then diameter is 10. When we calculate the correlation coefficient between these two variables diameter and radius, we will get exact perfect positive correlation. In case of negative correlation, at constant temperature there is a relationship between a gas volume and its pressure, that is perfect negative correlation. Example of perfect negative correlation. Method of assessing correlation. Correlation को ज्ञात करने की जो विधियां हैं, पहली विधि है scatter diagram, जिसे बिखरे आरेख हिंदी में भी कहा जाता है. Scatter diagram is a graphical method of assessing correlation between two variables. इसमें जो है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को अगर आपको देखना है तो हम एक ग्राफिकल मेथड के द्वारा भी इनको ज्ञात कर सकते हैं. एक्स एक्सिस पर एक्स वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस पर वाई वेरिएबल लेते हैं और फिर उन वैल्यूज़ को हम प्लॉट करते हैं जिन्हें कि हम स्कैटर्ड डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं. अभी हम आगे आपको एग्जाम्पल्स में बता रहे हैं. दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशंस. ये धनात्मक सहसंबंध के एग्जांपल्स है. जब एक्स वेरिएबल का मान अगर बढ़ता है तो वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज भी बढ़ती जाती है. जब हम उन्हें प्लॉट करते हैं तो हमें इस प्रकार के दिखते डॉट समय यहाँ प्लॉट होते हैं. जब इनके बीच से अगर हम लाइन खींचते हैं तो लगभग यह संपूर्ण धनात्मक सहसंबंध है और ये अपूर्ण धनात्मक सहसंबंध है. यहाँ पर आप देखेंगे कि आंकड़े जो थोड़ा स्कैटर्ड है. ये नेगेटिव कोरिलेशन, जब एक्स का मान बढ़ता है तो वाई का मान घटता जाता है, तो लगभग ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है. और जब ये अपूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है जबकि यहाँ आंकड़े जो है स्कैटर्ड हैं. और ये जीरो कोरिलेशन की स्थिति है, इसमें एक्स का मान जब यहाँ बढ़ रहा है तो वाई का मान एरोट है. कहीं पर भी कोई भी ऑब्जर्वेशन आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जैसी यहाँ पर पैरेलल लाइन आ रही है एक्स एक्सिस के अगर हम देखें या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, तो इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो ये कहलाता है जीरो कोरिलेशन. This is another example of a strong relationship. ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, ये weak relationship है. आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ऋणात्मक सहसंबंध है, ये धनात्मक सहसंबंध है और ये ऋणात्मक सहसंबंध है. ये इसके scattered diagram है. Correlation is positive when the value increases together. मतलब correlation जब धनात्मक होता है तो किन्हीं दो variables के मान या तो बढ़ते हुए क्रम में हो या दोनों की डायरेक्शन सेम हो या घटते हुए क्रम में, तब कोरिलेशन जो है वो धनात्मक कहलाता है. कोरिलेशन इज नेगेटिव व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेज एंड अदर डिक्रीजेज और वाइस वर्सा, कि जब एक वेरिएबल का मान बढ़ता है दूसरे का घटता है या दूसरे का बढ़ता है और पहले का घटता है तो वह नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाएगा. These are the examples of perfect positive correlation. This is a high positive correlation. This is a low positive correlation. This is an example of no correlation. This is a low negative. This is a high negative. This is perfect negative correlation. And a correlation can have a value 1 perfect positive, 0 no correlation, minus 1 is a perfect negative correlation. Some examples of positive correlations are increase in the age of child, increase in weight of child. बच्चे का जब उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसका वजन भी बढ़ता जाएगा. इंक्रीज ऑफ FIM इन द फील्ड, फार्मयार्ड मैन्योर अगर हम खेत में बढ़ाते जाएंगे तो हमको प्रोडक्शन में भी इंक्रीज मिलेगा. इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता अगर बढ़ती जाएगी तो प्लांट डिजीज वो भी बढ़ती जाएंगी. इंक्रीज इन सनशाइन आवर्स, इंक्रीज इन डे टेम्परेचर. इंक्रीज इन फूड इनटेक, डिक्रीज इन फूड इनटेक, डिक्रीज इन बॉडी वेट. अगर हम खाने की मात्रा
कम करेंगे तो बॉडी वेट भी कम होगा। डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड में डिक्रीज होगा तो डिक्रीज इन रेट्स और सप्लाई में भी कमी आ जाएगी। डिक्रीज इरिगेशन लेवल्स, डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड, इंक्रीज इरिगेशन लेवल देन इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। तो आप देखेंगे कि या तो दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं या तो दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशंस। चेंजेस इन बोथ वेरिएबल्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम डायरेक्शन, दैट इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड दीज आर द स्कैटर डायग्राम ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशंस। दीज आर द मेज़कॉब नंबर, ये जो आपके मक्के के भुट्टे हैं उनके उसमें दानों की संख्या है और उनका वेट है। पहले नंबर के भुट्टे में दानों की संख्या 278 और उनका वजन है 184 ग्राम और दूसरे नंबर के भुट्टे में 236 दाने हैं, 151 ग्राम उनका वजन है। ठीक इसी प्रकार से नौवे जो भुट्टा है कॉब नंबर 9 है उसमें 265 दाने हैं, उनका वजन 153 ग्राम है। और दसवां जो कॉब है उसमें जो नंबर ऑफ सीड्स है 239 है और उनका सीड वेट है 147। जब यहाँ पर हम नंबर ऑफ सीड्स को यहाँ पर प्लॉट करते हैं और नंबर ऑफ सीड और सीड वेट इन ग्राम्स को हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे हमें इस प्रकार के बिंदु, पहला जो मिलेगा आपको 221, आई थिंक दिस इज 225, फिफ्थ नंबर हैविंग 160, दिस इज 225 हैविंग 160। तो ये फर्स्ट पॉइंट इज हियर और उसी प्रकार से दूसरे पॉइंट, इसी प्रकार से ये आपका लास्ट पॉइंट है जो लगभग 298 है और दानों की संख्या हाईएस्ट और उनमें जो वजन है 191 ग्राम, दैट इज प्लॉटेड हियर। और अब इन्हीं प्लांट इनके बीच से अगर मिड होती है, अगर एक लाइन हम अगर खींचते हैं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब दानों की संख्या और दानों के वजन में एक परफेक्ट पॉजिटिव धनात्मक सहसंबंध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से एज अगर हम देखते हैं कि अगर एज जिस प्रकार से बढ़ती जाती उसी प्रकार से ऐसे हाइट भी बढ़ती जाती, तो भी एक धनात्मक सहसंबंध का एक अच्छा उदाहरण है। और स्कैटर डायग्राम बिटवीन दी एज इन वीक्स एंड हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ ए चाइल्ड। What is negative correlation? These are the examples of negative correlation. ये जो है उदाहरण जो है वो ऋणात्मक सहसंबंध के हैं। Increase in disease in plants, decrease in crop yield. Increase in insect pest infestation, decrease in production. Increase in supply of item, decrease of in rates. Increase in rainfall, decrease in day temperature. Decrease in soil temperature, increase in germination interval. Increase in weed density, decrease in crop yield. Decrease in weed density, increase in crop yield. These are the some examples of negative correlation. Here we see that one variable increases and another decreases, or one variable decreases and another increases, that is change in opposite direction. Both the variables having changes in opposite direction, then the variables are said to be negatively correlated. And these are the examples of negative correlation, that if the disease incidence increases on x-axis, crop yield decreases. If disease incidence is minimum, then crop yield is very high. If the disease incidence increases on x-axis, then our crop yield decreases slightly. This is a negative type relationship and this is a negative correlation. Age of a car and reliability. If car is new, it is most reliable, and if the age of the car increases, reliability of the car decreases. This is a negative relationship and it is a negative correlation coefficient. Second method is a Carl Pearson correlation coefficient. Carl Pearson correlation coefficient between two variables x and y is usually denoted by R, is a numerical measure of linear relationship of two variables and is given by the ratio of covariance between two variables x and y to the product of standard deviation of both the variables x and y. It is a linear relationship between two variables.
लेट एक्स एंड वाई बी द टू वेरिएबल्स विथ एन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, उनके एन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो जो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास उनकी वैल्यूज होगी x1 y1 x2 y2 x3 y3 up to xn yn, and then the correlation coefficient r is given by this formula, that is correlation coefficient r is equal to covariance of variable x and y। किसी एक वेरिएबल को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को y वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, then and sigma x is the standard deviation of first variable, sigma y is the standard deviation of y variable। Covariance of xy is equal to 1 by n, summation of x minus x bar into y minus y bar. And standard deviation sigma x and sigma y is denoted by sigma x is equal to 1 upon n summation x minus x bar square into 1 upon n summation of y minus y bar square, where x bar and y bar are the arithmetic mean of variable x bar and y bar. And here we see that 1 by n is here, 1 by n is also here, and 1 by n is also here. This is 1 by n, this is root 1 by n, root by 1 by n. If we take common from both places, here 1 upon root n and here 1 upon root, net, root n, it becomes 1 upon n, and we cancel this n too by this n. And the simplified formula is summation xy, x minus x bar into y minus y bar, divided by summation of x minus x bar square into y minus y bar square. The above formula can be simplified as x minus x bar is equal to capital X and y minus y is equal to y bar is equal to, if you play, put the capital Y in this formula, then this is r is equal to summation of, this is capital X, this is capital Y, and this is capital X square, and this is summation of capital Y square. So this is the simplest formula of calculating the correlation coefficient. We have to calculate here only mean of x variable and mean of y variable, and we have to subtract the mean from each of the values of x and y bar from each of y, and we have to square this x square and y square and product x and y of both the variables, and we put the value of x y product x square and y square, we get the value of correlation coefficient. The third formula is easy to calculate, and it is not necessary to calculate the standard deviation of x and y series. हमको उसमें standard deviation x और y की नहीं निकालना है. हमको सबसे पहले find the mean of two series x and y, x और y का mean निकाल लेना. Take the deviation of the two series from x and y, and सभी x values में से x bar घटा देना, सभी y values में से y bar घटा देना है, और उनको हमको x designate करना, उसको y minus y bar को y designate करना. Square the deviation and get the totals. दोनों का x का square gap करना, y का square gap करना है, और get the sum of squared value, that is summation x square, summation y square. Multiply the deviation of x and y and get the totals, summation x y. To multiply, to get the product of x and y, we have to multiply the this deviation of x minus x bar and y minus y bar to get the product of this x y, that is covariance. And putting the value in the formula, we get the value of r. Correlation is measured with the help of correlation coefficient r. Its value lies always between minus 1 to plus 1, that is r is greater or equal to minus 1 and less or equal to plus 1. Let us take an example. Find the correlation coefficient from the following data between height of the father and son. Father is denoted by x and son height is denoted by y. X 64, 65, 66, 67, 68, 69, and 70, and sun height is 66, 67, 65, 68, 70, 68, 72. Comment on the result. Let us have a solution of the above problem. We are putting the value of x in the column first and putting the value of y in the second column, and this is the sum. 64 to 70 sum is 469, और 66 से लेके 72 का सम जो है आपका 476 है, और x बार जो सन की हाइट अगर हम निकालेंगे तो वो 67 सेंटीमीटर, और y बार जो फादर की हाइट है दैट इज 68 सेंटीमीटर. अब हम x माइनस x बार करेंगे, 64 में से जो सन की हाइट है 67 को घटाएंगे, 64 माइनस 67 इज माइनस 3, 65 माइनस 67 इज 2, एंड 70 माइनस 67 इज 3, एंड दीज आर दी
x माइनस एक्स बार सम इज ऑलवेज जीरो ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन. एंड व्हाट इज एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग दिस डेविएशन माइनस थ्री स्क्वायर इज नाइन माइनस टू स्क्वायर इज फोर दैट इज कैपिटल एक्स स्क्वायर एंड दैट इज जीरो जीरो वन स्क्वायर इज वन टू स्क्वायर इज फोर थ्री स्क्वायर इज नाइन टोटल इज 28 समेशन एक्स स्क्वायर. सिमिलरली वी सब्ट्रैक्ट मीन वाई बार 68 फ्रॉम ईच वाई आई वैल्यू 66 माइनस 68 दैट इज माइनस टू 67 माइनस 68 इज माइनस वन 65 माइनस 68 इज माइनस थ्री 68 माइनस 68 इज जीरो 70 माइनस 68 इज टू 68 माइनस 68 इज जीरो 72 माइनस 68 इज फोर एंड इट सम इज always zero because summation of y minus y bar is zero. It's a property of arithmetic mean. And squaring the division, minus 2 square is 4, minus 1 is 1, minus 3 is 9, 0 is 0, 2 is 4, 0 is 0, 4 is 16. And summation y square, sum of y square is 34. And what is the product of these x and y? Minus 3 into minus 2, that is product of these x and y, x minus x bar into y minus y bar, that is capital XY. And minus 3 into minus 2 is 6, minus 2 into minus 1 is 2, minus 1 into minus 3 is 3, 0 into 0 is 0, 1 into 4 is 1 into 2 is 2, 2 into 0 is 0, 3 into 4 is 12. That is summation of x, y is 25. And putting the value of these x, summation x square, summation y square and summation x y in the formula, that is r is equal to summation x y, that is 25. Summation x square is 28 and summation y square is 34, that is 25 divided by root of 952, that is 25 divided by 30.85, that is 0.81. This is the correlation coefficient between the height of son and father. Since r is equal to plus 0.81, the variables are highly positively correlated, that is tall father have tall sons. We may draw a conclusion from this correlation coefficient. Hum isse conclusion draw kar niskarsh nikal sakte hain. कि जो 0.81 अगर पर हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है, इससे हम कह सकते हैं कि जो ऊंचे पिता हैं उनके पुत्रों की हाइट भी ज्यादा होती है. एग्जांपल सेकंड, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड वाई इज 9 8 10 12 11 13 14 16 एंड 15. पुटिंग द value of variable x in the first column, y in the second column, we get square of that variable x, that is x square. 1 square is 1, 2 square is 4, up to 9 square is 81. This is the summation x square 285. This is the summation x, that is 45. Summation y is 108. Just like summation y square, 9 square is 81, 8 square is 64, just like 15 square is 225, and summation y square is 1356. ठीक इसी प्रकार से x और y का प्रोडक्ट है, हमको x और y वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है. 1 into 9 is 9, 2 into 8 is 16 and just like 8 into 15 is 135. And product of xy, that is summation xy, is 597. Putting the value in the another formula, we have a calculation of correlation and this is r is equal to n summation xy minus summation x summation y divided by n summation x square minus summation ka x square into n summation y square minus summation y का whole square with square root sign. आप यहां पर देख रहे होंगे कि इस फार्मूले में आपको x bar calculate करने की जरूरत नहीं है. If x bar comes in a decimal, it is not a round number, then we use this method. This method is very easy method because if we subtract x bar, if it is a decimal, then if we subtract x minus x bar, we also get a decimal number and squaring it becomes very difficult. So that we use this formula n summation xy square minus summation x summation y and square root sign of this standard deviation of x, standard deviation of y. Putting the value here, n is 9, summation xy is 957 and summation x is 45, summation y is 108. N is 9, summation x square is 285 minus summation x square whole summation x ka whole square, that is 45 whole square, n into summation y square, n is 9 and summation y square is 1356 and summation y ka whole square 108 whole square. After solving this, we get 513 divided by square root of 540 into 540, that is 513 divided by 540
and the correlation coefficient comes out 0.95. That is always highly positive correlation between the two variables x and y. Effect of changes in variable. Add or subtract any constant k to x data point. अगर x data point में हम कोई भी observation को हम add करते हैं, subtract करते हैं या किसी एक पर करते हैं तो उनसे correlation coefficient में कोई मान नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता. If we multiply or divide by a constant k to x data or y data or both, there is no effect on the correlation coefficient. Therefore, we said that the correlation coefficient is unaffected by changing of origin or scale. मतलब सहसंबंध गुणांक पर मूल बिंदु एवं पैमाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अगर correlation coefficient की original values को भी बदल दिया जाए, उनके पैमाने को भी बदल दिया जाए, मूल बिंदु को बदलना मतलब उनके सभी observations में किसी भी observations को जोड़ना या घटाना. जबकि आपने देखा होगा जब हम arithmetic mean calculate करते हैं सभी observations में, तो अगर हम एक कल्पित माध्य घटाते हैं तो बाद में बची हुई श्रेणी के माध्य में उस कल्पित माध्य को हमें जोड़ना पड़ता है. और अगर हम कल्पित माध्य को घटाते भी हैं और उसी कॉमन संख्या से अगर बची हुई शेष वैल्यूज में अगर किसी संख्या का भाग भी देते हैं तो फिर हमें वो संख्या जब हम स्टेप डेविएशन मेथड जो अरिथमेटिक मीन की है तो वो होती है x बार इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू समेशन डी अपॉन एन, वेयर समेशन डी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए अपॉन एच. और एच जो होता है वो कॉमन डिवाइजर होता है और ए जो है वो एक एज्यूम मीन होता है. तो हम जितना वैल्यूज घटाते हैं उसको हम जोड़ते हैं और फिर जब माध्य निकालते हैं तो उतने टाइम्स हमारा माध्य भी बढ़ जाता है क्योंकि हमने बची हुई वैल्यूज को एक कॉमन संख्या से भाग भी दिया होता है. लेकिन यहाँ पर कोरिलेशन में मूल बिंदु एवं पैमाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन प्लस वन टू माइनस वन. सहसंबंध गुणांक सदैव प्लस वन से माइनस वन के बीच समाहित होता है. सहसंबंध गुणांक मूल बिंदु एवं पैमाने के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह स्वतंत्र होता है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिनल स्केल. टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड बट अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स मे नॉट बी इंडिपेंडेंट. दो स्वतंत्र चरों में सहसंबंध नहीं होता, लेकिन यदि सहसंबंध मान शून्य हो तो ऐसा आवश्यक नहीं कि दोनों चर स्वतंत्र होंगे. सहसंबंध गुणांक एक शुद्ध संख्या है और इसकी कोई इकाई नहीं होती. इट्स ए प्योर नंबर विच डज नॉट हैव एनी यूनिट. By symmetry R x y is equal to R y x. मतलब प्रतिसाम्य के अनुसार हम correlation के जब दो variables हमें दिए जाते हैं हम किसी भी variable को x और किसी को भी y मान ले सकते हैं. अगर दोनों में से हम पहले को x और दूसरे को y मान रहे हैं या पहले को y दूसरे को x मानते हैं और फिर correlation coefficient calculate दोनों बार किया जाए तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स. मतलब एक्स वाई के बीच जो सहसंबंध होगा वही सहसंबंध y और x के बीच होगा. तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कोरिलेशन कोएफिशिएंट के सिग्निफिकेंस को कैसे टेस्ट किया जाएगा और कोरिलेशन कोएफिशिएंट के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करते हैं दैट इज टी इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एन माइनस टू. दिस इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट and R is the correlation coefficient and T is the test statistic. If this T test statistic T is calculated value of T is greater than tabulated value at alpha level of significant at n minus 2 degree of freedom, agar ye less or equal to T alpha T calculated less or equal to T alpha tabulated hui to aapki H0 accept hogi. If this T calculated value is greater than T tabulated value at n minus 2 degree of freedom तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट होगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एग्जेक्ट होगी. एंड व्हाट आर अवर नल हाइपोथेसिस दैट रो इज इक्वल टू जीरो दैट इज नो कोरिलेशन एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रो इज नॉट इक्वल टू दैट दैट कोरिलेशन एग्जिस्ट. एंड इफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड देन वी से दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज हाईली पॉजिटिव और नेगेटिव on the basis of availability of the correlation. Here r is equal to 0.93 and n is equal to 10. n the number of observations are 10 and correlation coefficient ka maan jo hai 0.93 agar hame diya gaya hai. Ek example hum lete hain
तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश करते हैं एच जीरो सच दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो इज इक्वल टू जीरो, दैट इज नो कोरिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो आर स्मॉल आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कोरिलेशन एग्जिस्ट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 5% लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू आर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन माइनस टू। आर जैसा कि आपको पता है आर का मान 0.93 दिया हुआ और एन का मान 10 दिया है। पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी, हियर वी पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड दिस इज एन एग्जाम्पल। आर इज इक्वल टू 0.93, एन इज इक्वल टू 10 और हमने हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश कर ली। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है और टेस्ट स्टैटिस्टिक टी हमारा ये है। टू कैलकुलेट द टी बाय द टेस्ट आर इज इक्वल टू 0.93 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 आर स्क्वायर इज 0.93 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट दी 0.12952 एंड इफ वी डिवाइड 0.93 डिवाइडेड बाय 0.12992 वी गेट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज 7.16। टेबल वैल्यू ऑफ टी एट ए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2.306 एंड दिस कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। दिस इज द एक्सेप्टेंस रीजन। If these calculated value lies between these 2.75, if less than this 2.75, then our H0 accepted and H1 rejected. But in case of here, we see that the calculated value of T जो है 7.16 है, ये table value 2.306 से बहुत ज़्यादा है। In that situation हम H0 को यहाँ reject करेंगे और H1 को हम accept करेंगे। एंड हम कह सकते हैं कि देयर इज एविडेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में दे आर हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है और बोथ आर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड विथ हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड सिग्निफिकेंटली एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। This is the T-table and this is the 8 degree of freedom and this is 2.306, T8 5.05। हम इस table में देखते हैं values और फिर ये table value से हम calculated value को compare करते हैं। If the calculated value of T is greater than table value, then H0 will be rejected and H1 will be accepted. And by H1 we say that there is a highly positive correlation coefficient exists between the two variables. There is a significant and positive correlation coefficient exist in both the variables. Spurious correlation, Kristin, when the value of correlation coefficient shows high presence of significant relationship but no logical relationship exists between the two variables, such a correlation is called spurious correlation. जैसे कि हम example लिया जाए, number of students getting graduate degree every year and number of auto accidents in a city. There is no relationship at all in the auto accidents in a city and number of graduating students in a college. If we calculate the correlation and it gives a very high value, that type of correlation is known as spurious correlation. इसे हम कृत्रिम सहसंबंध कहते हैं। Coefficient of determination, निर्धारण गुणांक क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो आर हम प्राप्त करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए दैट इज आर स्क्वायर, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहते हैं। एंड इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू व्हिच वेरिएशन इन वन वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन अदर। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज 0.9, the coefficient of determination will be 0.9 square, that is 0.81. It implies that 81% of the variation in y explained by the variation in x and remaining 19% means 81% to x y mein jo variable x ki wajah se express ho raha, lekin 19% jo variable jo explain nahi ho paya, 100 minus 81 is what 19%, by some other factors because they are not perfectly correlated with each other because they are having less than one correlation. उनमें जो correlation का मान है एक से कम है, 0.9 है, तो 0.9 का जब square करते हैं तो coefficient of determination हमको 0.81 मिलता है और 0.81 को 100 से multiply करते हैं तो that is 81% और 81% variation of y explained by the variation in x. जो y का variation है वो एक
81% जो है एक्स के वेरिएशन से एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन 19% जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, और उसी को जो 19% वन अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है उसी को गैर निर्धारण गुणांक कहते हैं, उसको 1-r² से रिप्रेजेंट करेंगे, और 1-r² इज रेफर्ड एज कोफिशियंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, जिसको गैर निर्धारण गुणांक कहते हैं, दैट इज 1-r². The square root of the coefficient of non-determination is also known as coefficient of alienation. अगर एक गैर निर्धारण गुणांक अगर हम square root कर दें, square root of 1-r², non-determination का square root अगर कर दिया, square root of 1-r² कर दी जाए, तो इसको बोलते हैं coefficient of alienation. इसे अलगाव गुणांक भी कहते हैं, मतलब कि दो वेरिएबल x और y के बीच अगर कोरिलेशन 0.9 है तो उनका जो अलगाव गुणांक है, कोफिशियंट ऑफ नॉन कोरिलेशन या कोफिशियंट ऑफ एलिनिएशन, एलिनिएशन कोफिशियंट एलिनिएशन, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1-r², एंड इट इज यूज्ड सो मेनी प्लेसेस इन फॉर द थ्योरीज. हम जो एक तीसरी विधि है वो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट. Some items, the data on two variables cannot be measured quantitatively. अगर मात्रात्मक रूप से कुछ आंकड़ों को हम वेरिएबल को नहीं हम मेजर कर सकते हैं, इन सच सिचुएशन द ऑब्जर्वेशन कैन बी रैंक्ड, और उस स्थिति में हम ऑब्जर्वेशन को रैंक कर देते हैं, तो वहां पर फिर हमको गुणात्मकता के आधार पर उनमें रैंकिंग करते हैं. Then Carl Pearson correlation coefficient is not an appropriate measure for this quantitative data. Hence, Spearman has defined a coefficient of correlation for qualitative data called Spearman's rank correlation coefficient. For example, ranks are marks given by judges in a flower show, competition, testing some things, or in a beauty contest. And Spearman's rank correlation coefficient is denoted by RS. S stands for Spearman's. Simple R represent par correlation coefficient. If there are xi and yi n pair of qualitative observations है, हमारे पास xi और yi जो n pair of गुणात्मक observations है, then Spearman's rank correlation coefficient RS is equal to 1-6σDi² upon n into n square minus 1. Where di is equal to xi minus yi. This is the difference of ranks between x and y variables, and I runs from 1 to n. These are the number of observations. Xi is the rank assigned by judge 1 and yi is the rank assigned by the judge 2. And this is d. We find the difference d and then squaring that difference, that is d square, and summing the difference, that is summation d square, 6 times of summation d square divided by n into n square minus 1, where n is the number of observation, this is the square of n, that is minus 1, and subtracting all these values from this 1, that is the rank correlation coefficient. It is a non-parametric measure of correlation, a non-parametric test hai. This procedure makes use of two sets of rank that may be assigned to the sample value of x and y. X and y ko agar hum rank assign kar dein, to hum और रैंक को आपको बढ़ते हुए क्रम में करना, सबसे ज्यादा वैल्यू को एक रैंक देना है, उसके बाद घटती हुई बढ़ती हुई रैंक देना है. स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कुड बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग केसेस. बोथ वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव, अगर दोनों क्वांटिटेटिव है तो भी हम इनमें निकाल सकते हैं इनको रैंकिंग करके. बोथ वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल, और वन वेरिएबल इज क्वांटिटेटिव एंड अदर इज क्वालिटेटिव ऑर्डिनल, तो उस स्थिति में भी हम एक वेरिएबल की रैंक आपकी क्वांटिटेटिव और एक की रैंक अगर आपको ऑलरेडी मिली हुई, तो हम क्वांटिटेटिव की रैंकिंग करके और फिर रैंक के आधार पर उसको हम निकाल सकते हैं. प्रोसीजर, रैंक द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 1 टू एन, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. जो एक्स डेटा है उसको आप, अगर आपको रैंक पहले से नहीं दी गई, सिर्फ आपके पास ऑब्जर्वेशन है, तो हाईएस्ट को आप एक रैंक देंगे, उसके बाद लोएस्ट को 2-3 और अप टू एन तक जाएंगे. Rank the value of y from 1 to n, highest to lowest. Compute the value of di for each pair of observation by subtracting the rank of yi from the rank of xi. Square is di, then compute the summation di square.
अप्लाई द फार्मूला आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन टू एन स्क्वायर माइनस 1. द वैल्यूज ऑफ आर एस डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेचर ऑफ एसोसिएशन गिविंग द सेम इंटरप्रिटेशन इज सिंपल आर. ये जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है बिल्कुल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जैसा ही, इसका मान भी प्लस वन से माइनस वन के बीच ही होता है और इसका इंटरप्रिटेशन भी वही है कि अगर किन्हीं दो जजेस द्वारा अगर रैंक दी गई हैं किन्हीं दो कॉम्पिटिशन में तो उनमें अगर पॉजिटिव कोरिलेशन अगर आ रहा है तो दोनों जजों की राय जो है वो समान मानी जाएगी और अगर उनमें मतभिन्नता है तो उनकी रैंक में भी मतभिन्नता होगी तो नेगेटिव कोरिलेशन आएगा. तो अगर नेगेटिव कोरिलेशन आएगा दोनों जजेस के जो रिजल्ट्स हैं दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. मतलब जो किसी को बहुत अच्छा बोल रहा है वो दूसरा जज उसको नेगेटिव बोल रहा है, खराब बोल रहा है, और दूसरा जज पहला जज जिसको खराब बोल रहा है वो दूसरा जज उसको अच्छा बोल रहा है, तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन ऐसी स्थिति में आएगा. Let us take an example of Spearman's rank correlation coefficient. Compute the Spearman's rank correlation. These are the A, B, C, D, E are the herbicides. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. These are the herbicides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 herbicides. And these are the ranked by the scientist 1 and scientist 2. These pre-emergence herbicides यूज बाय देम, उन्होंने यूज किया और फिर उनको रैंक्स दी. हर्बिसाइड ए को इसमें उन्होंने 8 दी, इन्होंने 6 दी, बी को 9 दी, सी को 6.5 दी, 7 डी को 3.7 दी, ई को 1.2 दी, एफ को 5.4 दी, जी को 10.9 दी, एच को 2.1 दी एंड आई को 4.10 दी और जे को 7.3 दी. कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस डेटा दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू साइंटिस्ट्स. तो वी हैव टू check whether the ranks are given by both the scientists are having positive correlation or negative correlation. We go through the Spearman's rank correlation coefficient and for calculating the Spearman's rank correlation coefficient we write here herbicides A to J and these are the ranking given by X and ranking given by just scientist 2 is denoted by Y and this is the D is the difference between the two ranks X and Y. That is 8 minus 6, this is 2, 9 minus 9 is 0, 6 minus 5 is 1, 3 minus 7 is minus 4, 1 minus 2 is minus 1, 5 minus 4 is 1, 10 minus 8 is 2 and 2 minus 1 is 1, 4 minus 10 is minus 6 and 7 minus 3 is 4. This is D is equal to X minus Y, this is 0 and what is D square? If we square these ranks, 2 square is 4, 0 square is 0, 1 square is 1, minus 4 is 16, 1 is 1. Minus 1 is 1, 1 square is 1, 2 square is 4, 1 square is 1, minus 6 square is 36 and 4 square is 16. That is summation D square is 80 and here N is equal to 10 and putting the value in the formula that is RS is equal to 1 minus 6 sigma D square upon N into N minus 1. This is DI square is 80, this is 6, N is 10 and N square 10 square minus 1. This is 10 square 100 minus 1 that is 99 multiplied by 10 that is 990 and 6 8 the 48 480 divided by 990 that is 1 minus 0.48 that is the correlation coefficient is 0.52. Since RS is the 0.52 it indicates moderate degree of positive rank correlation, means the rank given by both the scientists are moderately positive correlated. They are not strongly agreed on the ranks of the herbicides. Rank correlation coefficient methods of assigning the ranks. To assign ranks, the highest score is ranked as number 1 and the next highest is ranked number 2 and so on. मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू जो है उसको आपको एक रैंक देनी, उसके बाद 2 3 4 5 इस तरीके से रैंक देनी है. Two individual values are equal. It means there is a tie occur. मतलब दो वैल्यूज अगर एक बराबर हैं या तो या दो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू एक बराबर है तो फिर उनकी रैंक भी हमारी जो है वो मीन रैंक हो जाएगी. Therefore, if two items are tied for fifth rank, each will assign जो पांचवें नंबर और छठवें नंबर पर है तो दोनों की रैंक पांच और छह होगी, तो हम पांच और छह रैंक जो होगी उनको दो से भाग देंगे तो दोनों की रैंक जो होगी 5.5 हो जाएगी. इन प्लेस ऑफ पांच, पांचवें और छठवें नंबर के ऑब्जर्वेशन अगर उनकी दोनों की वैल्यूज सेम है तो उनकी रैंक हम को पांच और छह देनी होगी.
क्योंकि दोनों को रैंक समान हो जाएगी तो 5-5 देनी पड़ेगी, लेकिन एक को 5 एक को 6 देंगे तो दोनों की मीन रैंक जो होगी 5.5 होगी। एंड इफ टू और मोर रैंक्स आर टाइड देन द फार्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट करेक्टेड इज लाइक दिस, RS इज इक्वल टू 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/2 समेशन j फ्रॉम 1 टू k mj क्यूब माइनस mj डिवाइडेड बाय n इनटू n स्क्वायर माइनस 1। यहां पर सिर्फ जो एक एडिशनल पार्ट आया वो है 1/12 समेशन ऑफ m क्यूब माइनस m, वेयर m इज द नंबर ऑफ दोज टर्म हुज रैंक्स आर इक्वल। ऐसे कौन कौन सी टर्म है जिनकी रैंक्स बराबर है उनको आपको यहाँ कैलकुलेशन में शामिल करना है, और आप एक एग्जांपल से बहुत अच्छा समझेंगे। RS इज इक्वल टू 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन टू एन स्क्वायर माइनस 1, इतना तो हमारा था ही, लेकिन सिग्मा डी स्क्वायर के साथ 1/12 समेशन ऑफ एम क्यूब माइनस एम और एक एडिशनल टर्म यहाँ पर जुड़ी हुई है इफ द रैंक्स आर रिपीटेड, तब हमें ये फार्मूला यूज करना है। Let us have an example. Score of 12 rose varieties in a rose competition is given by two judges A and B are given below. एक जो 12 rose की varieties हैं, उनको दो judges द्वारा judge किया गया किसी competition में, और उनको जब दी गई rank तो A को 60, B को 34, C को 40 marks, D को 50, E को 45, फिर 40, 22, 43, 66, 64, 46, 42 स्कोर जज बी ने दिया। जब स्कोर दिया तो ए को 75 दिया, बी को 33 दिया, सी को 33 दिया, डी को 40 दिया, और उसके बाद ई को भी 45 दिया, फिर 43, 12, 40, 75, 40, 57, 34। यहां पर हम देखेंगे कि जो रैंक है वो रिपीट हो रही है। अब हम देखेंगे सबसे पहले जज ए की हाईएस्ट रैंक जो है वो 66 है, तो हम उसको रैंक 1 दे देंगे, 64 को हम 2 दे देंगे, उसके बाद 60 को हम रैंक 3 दे देंगे, उसके बाद 50 को हम रैंक 4 दे देंगे, उसके बाद 40 को हम रैंक 5 देंगे, और 5 के बाद छठवा देंगे 45 को देंगे, सातवा देंगे 43 को देंगे, आठवा देंगे 42 को देंगे, और फिर देखेंगे कि 10 और 11 नंबर पर जो रैंक है आपके 40-40 है, उनकी रैंक 9 और 10 है, नवे ऑब्जर्वेशन की, तो हम इनकी रैंक दे देंगे 40 9 और 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 19 डिवाइडेड बाय 9.5 तो 9 और 10 को हम 9.5 देंगे। फिर 11वें नंबर को ऑब्जर्वेशन जो है 34 जो है उसको 11वीं रैंक देंगे, और 22 लोएस्ट है उसको हम 12वीं रैंक देंगे। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जज बी द्वारा जो स्कोर्स दिए गए हैं उसमें हम देखें तो जो हाईएस्ट रैंक है वो है 75 एक बार है और 75 दो बार है, तो 75 एक और दो को जो हम रैंक देंगे तो एक और दो हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 और 1.5, दो रैंक आपकी खाली होगी। अब थर्ड रैंक जो है 57 को दे देंगे, फोर्थ रैंक जो है 45 को दे देंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फिफ्थ रैंक जो है वो 43 को दे देंगे, 43 को दे देंगे फिफ्थ रैंक, और उसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स रैंक जो है हमारे पास, सिक्स रैंक के लिए हमारे पास जो डेटा है उसके बाद सिक्स रैंक जो हमें देना है वो 40-40-40, तो 6-7-8 और तीनों को हम डिवाइडेड बाय अगर हम 3 कर देंगे तो 6-7-8 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 7, तो 7-7-7 8th रैंक यहां पर असाइन होगी। 9th रैंक 34 को दे दी, 10th रैंक जो दी हमने 33 को दी, 11th रैंक जो दी हमने 32 को दी, और 12th रैंक जो हमने 12 को दी। अब हम D is the difference of X and Y ranks, हम यहां X ranks में से Y ranks को घटाएंगे तो 3-1.5 that is 1.5, 11-11 is 0, 9.5-10 is 0.5, 4-7 is -3, 6-4 is 2, 9.5-5 4.5, 12-12 is 0, 7-7 is 0, 1-1.5 is -0.5, 2-7 is -5, 5-3 is 2, and D last 8-9 that is -1. This is summation, D should always be 0, it is the check. Or अब जब हम D square, that is the difference का square करते हैं तो 1.5 square is 2.25, 0 square is 0.5, 0.25, 0.3, -9 to 4, 4.5 is
फॉर्मूला सिंस इट हैज बिकम टाई ऑफ सम रैंक्स therefore the required rank correlation formula is this rs is equal to 1 minus 6 sigma d square upon 1 by 12 m cube minus m divided by n into n square minus 1 yahan aap dekhenge m is equal to 2 since the rank and value 2 is a mean of two numbers 9 and 10 m2 is again 2 since the rank of value 75 is the mean of two numbers 1 and 2 and m3 is 3 since the rank of 40 is a mean of three numbers 6 7 and 8 there are three ranks are repeated in a first x variable there are two ranks repeated in second variable 75 and 40 75 repeats two times and 40 repeats three times here m = 2 m = 2 and m = 3 we put these three values in this equation to calculate the corrected correlation rank correlation coefficient like this that is 6 bracket 66.6 that is summation d square plus 1 by 12 m cube minus m that is 2 cube minus 2 plus 2 cube minus 2 plus 3 cube m is 3 3 cube minus 3 divided by 12 into 12 square minus 1 after solving we get 6 into 69 divided by 12 into 144 minus 1 that is 143 and after dividing these values we get the 0.24 that is 1 minus 0.024 that is 0.76 it shows that the judges are strongly agreeing with their standards to high ranks matlab dono judges ne jo ranking ki hai rules competition mein they are almost similar sir they are both the judges have strongly both the judges are strongly agreed with their ranking procedure This is the test of significance of correlation coefficient. This is null hypothesis. H0 such that rho is equal to 0. Alternative hypothesis. Correlation coefficient R is not equal to 0. Alpha level significant is alpha percent. And that is test of significance. RT is equal to R upon root of 1 minus R square upon N minus 2. Using this formula, we calculate the test of significance of the correlation coefficient of R is equal to plus 0.76. And n is equal to 12. When we putting the value in the formula, we get the value of t. And at 10 degree freedom, we find out the value of these expected values or table values. And if you compare the calculated value, table value, and we do the accordingly, if the null hypothesis is accepted, there is no correlation, but there is a correlation exists, and this is a highly positive correlation. We certainly find the null hypothesis accepted and alternative null hypothesis rejected and alternative hypothesis accepted. Okay, thanks.